डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश का हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पेज नंबर 7 निकालें। यकीनन आपने प्रीवियस जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट, उसका काम कर लिया होगा। उसके बाद आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे शाह अब्दुल लतीफ़। मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप देखिए, बुक सबके सामने होनी चाहिए। पेज नंबर 7, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, God send the Prophet as a blessing to mankind. इस्लाम अमन का मज़हब है, अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे इंसानियत की खिदमत करने के लिए। He won people's heart by his kind nature and gentle ways. उन्होंने लोगों के दिल जीते अपने अच्छी तबीयत से, अपने अच्छे नरमो लहजे से और अपने अच्छे तौर तरीक़ों से। His noble example was followed by many of his followers in all ages all over the world. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide, दूर दूर तक। far and wide का मतलब है दूर दूर तक, यानी इन्हीं लोगों की काविशों से इस्लाम दूर दूर तक फैल गया। These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. और इन्हीं की कोशिशों की वजह से बहुत सारे गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो गए। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पे आइए। इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री देयर आर श्राइन्स ऑफ सच सेंट्स। हमारे मुल्क में हर जगह ऐसे ही बुज़ुर्गों के मज़ारात मौजूद हैं। कहाँ कहाँ ये आपको बताया गया आगे। इन लाहौर आर द श्राइन्स ऑफ दातागंज बख्श एंड मियाँ मीर साहिब। इन पाकपटन लिव्ड एंड डाइड बाबा फरीद। इन मुल्तान इज़ द श्राइन ऑफ गौस बाहुल हक। इन पिशावर, इन कोयटा एंड इन काउंटलेस अदर टाउन्स एंड सिटीज़ देर आर द टॉम्स ऑफ दीज मैंस ऑफ गॉड। इन सिंध आर द टॉम ऑफ टू ग्रेट सेंट्स शाह अब्दुल लतीफ़ एंड कलंदर लाल शहबाज। ठीक है, समझ में आया पैराग्राफ। द ग्रेट सेंट, थर्ड पैराग्राफ पे आइए। द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ़। अब शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में बताया जा रहा है। हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज़। अकीदतमंद जो थे उनके, जो उनसे मोहब्बत करते थे, उनको लाल लतीफ़ कहते। वॉज बॉर्न इन 1102 हिजरा इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, जिसे हाला हवेली कहा जाता है। द गुड मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब दैन रूल द कंट्री। उस वक्त औरंगज़ेब जो है वो मुल्क पे हुकूमत करता था। शाह अब्दुल लतीफ़ एनसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध ड्यूरिंग द डेज ऑफ टैमरलन। दे हैड कम फ्राम हिरात हिजरात। सिंध वॉज दैन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह अब्दुल लतीफ़ एनसेस्टर्स लाइक इट सो मच that they decided to make it their home. उनके जो बुज़ुर्ग थे, आबा अजदाद थे, वो तैमूरलंग के ज़माने में हिजरत करके सिंध आ गए थे और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इसी को घर बना लेंगे। बट नो वन वुड हैव रिमेंबर्ड देयर नेम्स और लर्नड अबाउट देम। लेकिन कोई उनके बारे में इतना जानता नहीं। इफ़ मैनी सेंचुरीज। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर नाइन है। एट पर तो पिक्चर बनी हुई है आपके पास। पेज नंबर 9, लेटर। वन ऑफ देयर डिसेंडेंट्स सैयद हबीब शाह हैड नॉट बीन ब्लेस्ड विद द सन हु ग्रू अप टू बी सेंट लाल लतीफ़। यानी कि उनके वालिद साहब भी जल्द इंतकाल कर गए थे, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चे को या लाल लतीफ़ को बढ़ते हुए, ऐसे ग्रोन अप होते हुए नहीं देखा। शाह लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, शाह लतीफ़, अब वो किस किस्म के थे वो बता रहे हैं आपको। शाह लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। हिज हार्ट वॉज सून फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउज हिज फीलिंग स्ट्रांगली। बहुत आसान है, देखिए समझ में भी आ रहा होगा। वाइल ही वॉज ओनली अ बॉय, जब वो सिर्फ एक लड़के थे, ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री। ही वॉज ऑल्सो कीन एंड ऑन एक्योरिंग नॉलेज and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. ज़ाहिर है उनकी गहरी दिलचस्पी, उनकी मालूमात इतनी ज़्यादा थी कि वो
जैसे जैसे बड़े होते गए वो अरबी में और फारसी में मज़हबी स्कॉलर बन गए. वैन ही वॉज 20 ही मैरिड अ नोबल एंड गुड लेडी. ही शोड ग्रेट काइंडनेस टू हिज वाइफ एंड लिव्ड एट होम फॉर मैनी ईयर्स. हिज हार्ट हाउ एवर टर्न मोर एंड मोर टूवर्ड्स रिलीजन एंड डिवोशन एंड ही फेल्ट रेस्टलेस इन लिविंग अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए. वैन हिज फादर डाइड शाह लतीफ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन माउंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ विलेज. उनके फादर के मरने के बाद वो एक अपने घर से एक करीब टीले पे रहने लगे. सही है, जिसको कहते हैं माउंट ऑफ सैंड, रेत का टीला, इज कॉल्ड भिट, जिसको भिट भी कहते हैं इन सिंधी, सिंधी में. ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट डैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ये कहा जाता है कि इसी वजह से उन्होंने अपनी बाकी सारी जिंदगी बची हुई वो इस माउंट पे गुजारी, रेत के टीले पे. ठीक है, शाह लतीफ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट, इसलिए उन्हें भिट का बुजुर्ग भी कहा जाता है. टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह अब्दुल लतीफ़ ऑफ द माउंट. एज डेज, देखिए पेज नंबर 9 का लास्ट पैराग्राफ. एज डेज पास लतीफ़ लव ऑफ गॉड ग्रियो मोर एंड मोर. जैसे जैसे दिन गुजरते गए अल्लाह से मोहब्बत उनकी बढ़ती गई. अंटिल ही फाउंड प्लेजर ओनली द डिवोशन एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द प्रेयर एंड डीप थिंकिंग. हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड प्रेयर एंड डिवोशन. उनकी रूहानी ताकत जो थी, कुव्वत जो थी अंदर से, वो मजबूत होती गई और अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती गई. सो मच सो डैट पीपल बिगेन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम. इसी वजह से लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होते गए. एनी वन हु केम टू हिम, कोई भी उनके पास आता, वॉज स्ट्रांगली इम्प्रेस बाय हिज जेंटल वेज, उनकी नरम लहजे से बहुत मुतासर होता. एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाई डे, इसी तरह से उनके मानने वाले बढ़ते गए दिन ब दिन. क्लोज टू बी माउंट ऑन विच लाल लतीफ केम टू लिव इज अनैचुरल लेक. माउंट के करीबी एक कुदरती एक झील बनी हुई थी. हिज पोएटिक नेचर लव्ड द काम एटमोसफियर, और वहाँ बहुत खामोशी थी. ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक. ठीक है, एज ही सेट देयर ही प्रेड टू. नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 10. ही प्रेज टू गॉड एंड सम टाइम कंपोज वर्सेस इन हिज प्रेज. अब उस झील के किनारे वो बैठते थे, खामोशी होती थी, तो वो पोइट्री भी लिखते थे अल्लाह ताला के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. शाह लतीफ वॉज नॉट ओनली अ सेंट एंड अ पोइट बट ऑल्सो अ म्यूजिशियन. वो सिर्फ बुजुर्ग और शायर नहीं थे बल्कि एक मौसीकार भी थे. ही फाउंड ग्रेट कम्फर्ट इन म्यूजिक हिज स्किल एंड चेंजेस इन द डिफिकल्ट म्यूजिक ऑफ हिज टाइम. उस वक्त की मौसीकी में उन्होंने बहुत तब्दीलियाँ लाई, बहुत मुश्किल मौसीकी को बहुत आसान बना दिया. एंड एज इन एवरी थिंग एल्स ही लव्ड सिंप्लिसिटी इन म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ही डिड नॉट एग्री विद द आइडिया डैट म्यूजिक शुड बी डिफिकल्ट, सो ही मेड इट सिंपल. ही ऑल्सो इन्वेंटेड अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कॉल्ड इट तंबूरो. इसी तरह उन्होंने म्यूजिक को आसान बनाया और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ईजाद किया जिसे तंबूरो कहा जाता है. इट वॉज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द अरब्स. ये इस तरह का था जो अरबी भी इस्तेमाल करते हैं, अरब कंट्री में भी इस्तेमाल होता है और शायद आज तक भी है. बट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वॉज डिफरेंट, लेकिन उसके जो तार हैं वो डिफरेंट हैं. टू दिस डे द तंबूरो इज़ पॉपुलर ऑल ओवर सिंध. ओल्ड एंड यंग प्ले इट एंड सिंग द सॉन्ग्स ऑफ लतीफ टू इट्स सिंपल एंड बट मूविंग टाइम्स.
नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए. लाल लतीफ डाइड इन 1165 हिजरा ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड एंड वॉज बरीड देयर. अ फेमस किंग ऑफ सिंध गुलाम शाह कलोड़ो वॉज सो डिवोटेड टू हिम डैट ही बिल्ट अ श्राइन ओवर हिज ग्रेव. उनका इंतकाल 1165 में हो गया और सिंध का एक बादशाह उनसे उनके काम से मुतासिर हुआ, उनसे बहुत मोहब्बत करता था और उनके ही कब्र पे उन्होंने उसने एक मज़ार बनवाया. लतीफ़ डिवोटीज कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड दिस कलेक्शन केम टू बी कॉल्ड द रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. ही वॉज अ पोइट ऑफ पीपल सो ही रोट पोइट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन. दिस कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स इज सो वैल्यूड डैट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेजेस. वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ लतीफ़्स पोइट्री बिसाइड्स इट्स सिंप्लिसिटी इज इट्स मूविंग म्यूजिक. वैन यू लिसन टू इट इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट यू विल बी मूव्ड बाय इट्स मेलोडी. अगर लतीफ़ की पोइट्री आपको समझ में भी ना आए लेकिन उसकी धुन इतनी अच्छी है कि आपको झूमने को दिल चाहता है. नेक्स्ट पेज नंबर 10 का लास्ट पैराग्राफ देखिए. लतीफ़ उर्स उनका उर्स जो मनाया जाता है इज़ हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर. मैनी थाउजेंड ऑफ पीपल गैदर बहुत से लोग जमा होते हैं यहाँ. लिसन टू द सैंड सॉन्ग संग ऑन द तंबूरो और तंबूरों पे गाने भी गाते हैं बजाते हैं. एंड ऑफर देयर प्रेयर्स और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं. मैनी लर्न मैन रीड पेपर्स एंड टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ एंड हिज पोइट्री. रिसेंटली अ लाइब्रेरी अ रेस्ट हाउस एंड अ म्यूजियम हैव बीन बिल्ड. हाल ही में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, एक रेस्ट हाउस बनाया गया है और एक म्यूजियम भी बनाया गया है जहाँ उनकी यादगारें रखी हुई हैं. द श्राइन इट सेल्फ हैज़ बीन रीबिल्ट एंड कनेक्टेड विद द मैन मेन रोड. इट्स लवली वाइट डोम इनका खूबसूरत जो वाइट गुम्बद है इनके मज़ार का रिप्रेजेंटिंग द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़ कैन बी सीन फ्रॉम मैनी किलोमीटर. जो बहुत दूर से देखा जाता है जो अजमत का निशान है. लास्ट पैराग्राफ देखिए. लतीफ़्स मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव. ही बिलीव्ड इन द ब्रदरहुड एंड इक्वेलिटी ऑफ मैन एंड इन प्लीज प्लीजिंग गॉड बाई गुड डीड्स. दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज़ द गोल ऑफ लाइफ. यही उनकी ज़िंदगी का मकसद है जो हमको बताया गया है उनके शायरी से. उनकी जो लाइफ की हिस्ट्री है उससे हमें पैगाम मिलता है. आ गई बात समझ में. ये चैप्टर आप खुद रीड करेंगे और इसके इमेज फॉर्मेट पे आपको सवाल दिए गए हैं वो कॉपी पे कंप्लीट करके आप चेक करवाएंगे, असाइनमेंट जमा करवा देंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे.